जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या फिर डी क्षोभ मंडल। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे लाइव चैट में। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो देखिए, वायुमंडल में जो सबसे पहली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। तो जो भी बच्चे डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसी क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, ये क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। अब देखिए, क्षोभ मंडल के बाद आता है दूसरे स्थान पर समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, और वायुयान यानी कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन लेयर की बात करें तो प्रश्न बनता है ओजोन दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, और दोस्तों आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापी जाती है, और वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की बात करें तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो याद कर लीजिए, किडनी। किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। लीवर की बात करें, जिसको यकृत बोला जाता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो अभी हमने आपको बताया, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, सूत्र O3 होता है, और ओजोन परत मापने की इकाई जो है ये है डॉप्सन। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 72 बार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है, और फिलीपींस का जो मनीला है, यानी कि फिलीपींस के मनीला में ADB का मुख्यालय है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। बाकी WHO हो गया, WTO हो गया, ये इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? देखिए, एक होता है सर्वदाता
और एक है सर्वग्राही, सर्वदाता जो सभी को दे सकता है। ये कौन सा रक्त समूह है? तो ये ओ है। और सर्वग्राही जो होता है ये ए बी है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था ये भी पूछा जाता है, तो कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का पता लगाया था। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्षोभ मंडल की बात की जा रही है। तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम जो है ये 1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रथम विदेशी पूछ रहा है और ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी का नाम है खान अब्दुल गफार खां, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो अभी हमने आपको बताया रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन होता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए एग्जाम में और ये भी पूछा जाता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा राम तनु पांडे, ये तानसेन का मूल नाम था। और तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन जो है ये मध्य प्रदेश में ही है। सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये सभी प्रश्न स्टैटिक जीके का प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। एनी बेसेंट, याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, फेरल के नियम का संबंध किससे है? तो फेरल के नियम का संबंध किससे होगा? तो सही जवाब है पवनों की दिशा से। एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों कल यानी कि 31 जनवरी को शायद ये रात 8:30 बजे की क्लास बंद रह सकता है, और अगर बंद हुआ तो टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। तो एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये रमन मैग्सेसे को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 और जोड़ा में पूछे तो 23 होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है ये कैलोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। और सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है 120/80। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और ग्रेमी अवार्ड जो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, याद रखिएगा पंडित रविशंकर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, इसलिए आप सभी ध्यान से देखें। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था सर्वदाता, जो कि बोला जाता है ओ को, और सर्वग्राही जो सभी से ले सकता है, ये है ए बी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो देखिए शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है 206 होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? इस प्रश्न को हमने कल के प्रैक्टिस सेट में भी किया था, इसलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो टीबिया नामक हड्डी जो है ये पाई जाती है, ध्यान रखना है, पैर में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है ये 20, कितना 20। चूना पत्थर किस चट्टान के अपर रूप है? और दोस्तों अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा, उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो 25वें प्रश्न का आंसर है अवसादी चट्टान, ध्यान रखना है अवसादी चट्टान। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यह है भारत रत्न। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, जो कि ऑप्शन में लीवर था, तो हमने आपको बोला था लीवर या यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो याद रखना है त्वचा है। 28 नंबर है RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देख सकते हैं, चलिए बताएंगे RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। तो हमने विलियम हार्वे के बारे में आपको बताया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हार्वे। लैंड स्टीनर के बारे में अभी हमने आपको बताया, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे। तो यहाँ पे RH फैक्टर पूछ रहा है, तो 28 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लैंड स्टीनर एवं विनर, ध्यान रखना है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है? देखिए प्रैक्टिस सेट के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो आप लोग आराम से आंसर कर पाएंगे। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है, क्या नाम है, क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो बोरलॉग पुरस्कार जो है ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में ग्रेवी अवार्ड दिया जाता है। सिनेमा जगत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है जी शंकर कुरुप को, यानी GS कुरुप को। फिर से बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायु में सबसे अधिक जो होता है ये नाइट्रोजन ही होता है, 78%।
0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 21% के आसपास ऑक्सीजन होता है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 से 6 लीटर लगभग मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है, यानी कि WBC का पूछ रहा है। RBC का हमने आपको बताया था 120 दिन का होता है, लेकिन WBC का जो होता है ये होता है 2 से 4 दिन का। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो देखिए दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है ये होता है छोटी आंत में। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक जो है ये स्प्लीन या प्लीहा कहलाता है। और RBC का निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला झील हमने आपको बताया था वान झील है। कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वान झील। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो सही जवाब है 35% होती है। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लेना। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसका सही जवाब है टाइलिन। तो लार में पाया जाता है टाइलिन। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको भी हमने आपको बताया था, बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दबाव, और स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही जवाब है, तीनों सही है। अगर फॉरेनहाइट में पूछे, फॉरेनहाइट में तो 98.6 होता है, सेल्सियस में 37 होता है और केल्विन में 310 होता है। तीनों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।